वक्त बलथर गांव में हो, जिस जैसा कि पिछले 10 दिनों से नमाज़ नहीं हो रही थी, अजान नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने इमाम को कहा कि जो कि बाहर के इमाम हैं, पूर्णिया के आए हुए हैं, आज उनको कहा कि आप अजान दें और नमाज़ पढ़ा जाएगा आज। तो देखिए यहाँ पर पिछले 10 दिनों के बाद यहाँ पर एक तरह से अजान हो रही है। तो ये हालात है, अजान अंदर हो रही है, मैं दिखा रहा हूँ। मंदिर हो मस्जिद भी हो, एक तरह से पिछले 10 दिनों से वीरान पड़ी हुई है। तो एक तरह से यहाँ पर लोग अब ख़ास तौर पर एक तरह से हिम्मत जो बांधा गया कि आप अजान दें, नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आप इमाम हैं जो बाहर से आए हुए हैं आज पूर्णिया से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप थे भी नहीं। तो एक तरह से अजान हो रही है और 10 दिनों के बाद आज जोहर की नमाज यहाँ होगी, और हो सकता है कि मैं भी यहाँ नमाज पढूं। तो ये हालात है, ये सिचुएशन है, खौफ का जो खौफ वाली जो बात है उससे लेकर पूरा लोग ख़ासतौर पर बलथर और आर्यनगर के खौफ ज़्यादा हैं, बहुत ही परेशान हैं। तो ये देखिए अब अजान एक तरह से कंप्लीट हो गई और अब हम लोग यहाँ पर जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। 10 दिनों से मस्जिद एक तरह से वीरान पड़ी थी, लेकिन बच्चे छोटे छोटे हैं, एक तरह से साफ़ सुथरा कर रहे हैं, और इस वक्त इसमें अभी अजान होगी और नमाज़ भी होगी, जोहर की नमाज। तो ये हालात है, मस्जिद पूरी तरह से एक तरह से वीरान सी हो गई थी, जिस तरह से जो घटनाक्रम बलथर में हुआ है उसके बाद ये हालात है। इसी वक्त मैं मस्जिद में हूँ, पिछले 10 दिनों से इसमें नमाज़ नहीं हो रही है, ना जुमा हो रही है, लेकिन आज एक तरह से जौहर के नमाज़ हो सकती है। लेकिन मस्जिद का हालात आप देखेंगे तो दंग हो रह जाएंगे, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है, पूरा एक तरह से बिखरा हुआ है, एक तरह से मिट्टी ढूल कर लगी हुई है। तो बस अजान जो होगी इसमें नमाज मैं खुद पढ़ूँगा, तो आपको मैं दिखाऊँगा कि क्या हालात है। अल्लाह के शुक्र से 10 दिनों के बाद इस तरह से बलथर का हालात जो है जो काफ़ी भयानक है, और 10 दिनों के बाद इसमें इसी बीच जुमा एक पड़ा था, वो भी जुमा लोग नहीं पढ़ पाए इस मस्जिद में। और पहली बार 10 दिनों के बाद हम लोग छोटे बच्चे तो हैं, और ये इमाम साहब जो हैं पूर्णिया से आए हैं, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जामिया वर्ल्ड से। तो आज जोहर की नमाज पढ़े हैं बलथर मस्जिद में। तो ये हालात है, लोग अब धीरे धीरे एक तरह से समान लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा है।